फिर प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, ये सरल स्वभाव के कारण है। और जो साधु सरल स्वभाव का होता है वो भक्तों को बहुत पसंद आता है। जो दुकानदार सरल स्वभाव का है ग्राहक उसके यहां भीड़ लगा देते हैं। स्वभाव को सरल बनाओ। तो मैं कह रहा था अपने बच्चे को प्रेम देने का वक्त निकालो। जो तुम्हारे यहां कर्मचारी काम करता है उसको भी प्रेम दीजिए। सभी आत्माएं प्रेम की भूखी हैं। और चाणक्य कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतव तस्माद्य वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते खुश होते हैं। तो प्रिय वचन बोलने में क्या दरिद्रता है। वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर तुलसी या संसार में सुख उपजे चहुर। तुलसीदास कहते हैं इस संसार में चारों तरफ सुख उपज सकता है अगर मीठे वचन लोग बोलने लग जाए। साहिब बंदगी बोलो। मैंने सुना है एक बालक अपने पिता के प्रेम का भूखा था। उसका पिता बहुत बिजी रहता था, सवेरे उठ करके काम पर चला जाता था, देर शाम को वापस लौटता था। एक दिन पिता लौट कर आया तो बालक पिता के पैरों में लिपट गया कि पिताजी आ गए। पिता ने उसको झकझोर कर अलग कर दिया कि मैं परेशान होकर आया हूँ तो मेरे पैरों में लिपट रहा है, तू हट उधर। बालक जाकर के बेडरूम में बेड पर थोड़ा सो जाता, आराम करता है। आधे घंटे बाद उठकर आता है, पिता को एक गिलास पानी देता है। आपके पिताजी बाहर से आ जाएं या माँ को प्यास लगी हो उनको पानी पिलाना चाहिए, बिठाना चाहिए। होली दिवाली रक्षाबंधन ईद बकरीद गुरु पूर्णिमा आदि उत्सव के दिन अपने माता पिता को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, पैर छूकर नमस्कार करना चाहिए, उनको माला पहनाकर सम्मान करना चाहिए। दुनिया में कितने ही देवी देवताओं को माला पहना लो तुम, लेकिन तब तक कोई देवी देवता खुश नहीं हो सकते हैं जब तक तुम अपने माँ रूपी देवी को पिता जैसे देवता को माला पहना करके प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक किसी भी देवी देवता का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं। पिता को पानी पिलाया, पास में बैठ गया और पूछा पिताजी एक घंटे में कितने रुपये कमाते हो। बोले तू मेरा हिसाब लेगा क्या। बोले हिसाब लेना बुरा भी नहीं, बता तो सकते ही हो। तो बाप ने कहा 100 रुपये कमाता हूँ। कितने लोग हिसाब देने में बहुत घबराते हैं, कितना खर्च किया कहाँ खर्च किया उसका हिसाब दो, बड़ा डर लगता है। और हिसाब देने में वही आनाकानी करता है जो गलत खर्च करता है, गलत काम करता है। हमारी संत मंडली में हम सब हिसाब देते हैं। मैं भी अगर कहीं 10 रुपये खर्च करूँगा हिसाब दूंगा। अभी 2100 रुपये मैंने दक्षिणा अभय साहेब को दिया और लिखा गया है 2100 दिया है, आदेशित कर दिया गया है। जितना खर्च करूँगा मुझे भी हिसाब देना। और मेरे सब संत हिसाब देते हैं। और पैसे का हिसाब तो हिसाब है, टाइम का भी हिसाब रखो। जो वास्तव में धर्म पत्नी होती है वो अपने पति के टाइम का हिसाब लेती है कि 5 बजे ऑफिस से छूट जाते हो, रास्ते में आधा घंटे लगेगा, 5:30 पहुंच जाना चाहिए, फिर 6:30 बजे क्यों आए, 1 घंटा कहाँ खर्च किया। अब चंदूलाल बोल नहीं रहे, चुप्पे खड़े हैं। कहाँ थे बोलो चंदूलाल, मत कर बता। टाइम का हिसाब,
और जो समय का हिसाब दे सकता है और जो समय का ध्यान रख सकता है और जो समय का सदुपयोग कर सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, इसके इम्पोर्टेंट महत्व को समझता है, याद रखना वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छूने के योग्य हो जाता है, उसकी बहुत बड़ी उन्नति होती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो। 10 रुपये ज्यादा खर्च कर दोगे कोई ज्यादा खास बात नहीं, लेकिन अगर 10 मिनट का समय ज़्यादा खर्च कर दोगे, ये समय पुनः वापस मिलने वाला नहीं है। 10 रुपये तो कल 20 रुपये कमा सकते हो, लेकिन जो टाइम गुजर गया है, जो 12 मार्च 2020 निकल गई है, कल क्या वापस लौट सकती है? कभी नहीं। इसलिए समय अमूल्य है, सब चीज़ों का मूल्य है, समय अमूल्य है और अमूल्य चीज़ को व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए। ताश खेलने में समय मत गंवाइए। कितने 40, 50, 70 साल के उम्र के लोगों को मैंने देखा ताश खेल रहे, पत्ता पर पत्ता फेंक रहे, इक्का पर दुक्का, दुक्का पर छक्का, छक्का पके पीछे मुक्का, और पीछे खड़ा उनका बप्पा ताश खेल रहे। बेशरम इतने हैं, चौराहे पर बैठे खेल रहे हैं, हनुमान मंदिर के चबूतरे पर खेल रहे हैं, ओटला पर बैठे खेल रहे हैं, 3-3 घंटे से खेल रहे हैं। कितना मूढ़ बुद्धि है ये। ताश खेलने से क्या फायदा है? जुआ खेलने से क्या फायदा? युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, पूरा बर्बाद हो गए। युधिष्ठिर से सीख लो, एक आदमी आग में जल गया, उससे सीख लो कि आग में हाथ डालने से जलता है आदमी, तो तुम मत डालो, लेकिन तुम खुद डालकर सीखना चाहते। दारू पी करके 56 करोड़ यादव लड़ करके आपस में मरकर नष्ट हो गए। दूसरे की पत्नी का हरण करके, टच करके रावण का विनाश हो गया, परिवार सहित विनाश हो गया, तो तुम दूसरे की पत्नी की तरफ देखते क्यों हो तिरछी आंखों से? दूसरे के पति की तरफ नजर भर देखने से सुपर्णखा की नाक कट गई, तो तुम भी दूसरे के पति को मत देखना, नहीं नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, अंगुली कट जाएगी, बाल कट जाएंगे, खोपड़ी कटी चली जाएगी। ये सब कहानियां हमको सिखाती है ना। वो नारद जी साधु थे, वो किसी लड़की का हाथ देख रहे थे। राजा शीलेंद्र की कन्या विश्वमोहिनी थी, उसका हाथ देखा तो रेखा में लिखा था इसका जो पति बनेगा वो त्रिलोकीनाथ होगा। तो नारद जी के मन में हुआ, मैं ही पति बन जाऊँ, त्रिलोकीनाथ हो जाऊँ। इसलिए साधु वाधु को ज़्यादा लड़कियों पड़कियों का हाथ नहीं देखना चाहिए, नहीं त्रिलोकीनाथ बनने के चक्कर में विवाह करोगे तुम। बाबा जी बनकर बैठे हो, ये कहाँ से लफड़ पालोगे? और माताओं बहनों को भी साधु संत का केवल चरण स्पर्श करना चाहिए, हाथ नहीं छूना चाहिए, सिर नहीं छूना चाहिए, पीठ नहीं छूना चाहिए, पैर दबाना भी नहीं चाहिए। कितने साधु लोग माताओं बहनों से पैर दबवाते हैं, ये साधु है? बेवकूफ आदमी, भ्रष्ट है। क्या जरूरत? कहाँ से तुम थक गए, खेत जोतने गए थे, कुदाल चला रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, तुम्हारे पांव बहुत थके हैं, तुम्हारे पांव पर एक फावड़ा मार दूंगा। फालतू हम महिलाओं से पैर दबवाते, शर्म नहीं लगती? माताओं का स्थान देवी के समान होता है, उन देवियों से पैर दबवाना पाप लग जाएगा तुमको। महात्मा जी 60 साल की उम्र से ऊपर हो जाना, थक जाना, तो अपने पुरुष शिष्यों से पांव दबवा लेना जरूरत हो, अन्यथा पांव दबवाने की जरूरत नहीं है। पांव में जब दर्द होने लगे तो 2 किलोमीटर पैदल चल दीजिए, और ज़्यादा दर्द होने लगे शरीर में 2 घंटे तक कड़ी धूप का सेवन कर लीजिए, और ज़्यादा दर्द होने लगे तो गर्म पानी पी लीजिए, और ज़्यादा दर्द होने लगे थोड़ा तेल का मालिश, सरसों का तेल कर लीजिए, और ज़्यादा दर्द होने लगे तो जोर से ठहाका मार कर हंस दीजिए, सारी दर्द फर्द कर्द सब खत्म। मुंह फुला कर बैठोगे गुलगुब्बा बना करके, दर्द तो होगी ही, गल फुलवा बने बैठे हो, हंसते क्यों नहीं हो? जिंदगी में खुश भी रहना चाहिए। भगवान कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कराते थे, कबीर साहब प्रसन्न रहते थे, मोहम्मद साहेब खुश रहते थे, गुरु नानक देव ध्यान में रहते थे, बुद्ध ध्यान में रहते थे, और स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के वे हमेशा ध्यान और ज्ञान में रहते थे। याद रखना,
खुश रहना मनुष्य का परम धर्म है, हंसना आपका परम कर्तव्य है, और हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। और हंसते वही है जो कहीं नहीं फंसते हैं, वह हमेशा हंसते हैं जो बुराइयों में फंसते हैं, वह कभी नहीं हंसते हैं, वह हमेशा मुंह ऐंठते रहते हैं। गलत काम करोगे